अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस इज हसनैन मुनीब एंड टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट सैंपलिंग एंड सैंपल प्रिपरेशन। ठीक है, सैंपलिंग से क्या मुराद है कि आप एनालिसिस करते हो। एनालिसिस से क्या मुराद है, किसी चीज़ को आपने चेक करना है कि जिसमें एक फैक्ट्री जा रही है तो फैक्ट्री के अंदर बिस्किट्स बन रहे हैं, तो अब बिस्किट की जो एक वो फैक्ट्री है उसके अंदर आपने चेक करना है कि क्या बिस्किट सही चल रहे हैं या नहीं, सही बन रहे हैं या नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे बिस्किट खा उठा के खाने शुरू कर दोगे, आप उसमें से कुछ ना कुछ चूज करते हो जिनको आप पहले चेक करते हो कि क्या ये सही बने हैं, इनका टेम्परेचर, इनकी टेक्सचर, इनका मॉइस्चर, क्या वो सही बना है या नहीं बना। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं एनालिसिस। अब ये जो एक रेंडमली या उस एक पूरे 1.5 लाख बिस्किट पड़ा फर्ज कर लो बने हैं, उसमें से कुछ को चूज करना टू चेक टू एनालाइज, उसको हम कहते हैं सैंपल टेकिंग। ठीक है, सैंपल हमने लिया है। ठीक है, और सैंपल लेना, सैंपलिंग को, सैंपल लेने को हम क्या कह देंगे, सैंपलिंग, और इसको प्रिपेयर करने को कह देंगे सैंपल प्रिपरेशन। ठीक है, सबसे मेन स्टेप होता है एनालिसिस के अंदर। इसके अंदर जो है हम मजीद बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बस इंट्रोडक्शन तो यही है कि बेसिकली एक ओवरऑल होल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मैंने बता दिया जितना 1.5 लाख बिस्किट, या अगर लोगों की पॉपुलेशन की बात करते हो तो एक डिस्ट्रिक्ट जैसे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के लोग, दैट विल बी द पॉपुलेशन। लेकिन आप उनमें से जिन लोगों से क्वेश्चन पूछोगे, आप ऐसे चूज करते हो कि चलो अगर इसकी 50 कॉलोनियाँ, हर कॉलोनी में से मैं दो दो लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं एक ओवरऑल एनालिसिस मुझे आ जाएगा, तो दैट विल बी द सैंपल। टोटल क्वांटिटी फ्रॉम विद द सैंपल इज ऑब्टेंड इज कॉल्ड पॉपुलेशन। जो टोटल क्वांटिटी दैट इज टर्म्ड एज पॉपुलेशन क्यों की जाती है, बेसिकली अगर आप पूरी पॉपुलेशन का डाटा लेकर उसको एनालाइज करने लग जाए तो वो पॉसिबल ही नहीं होता, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और बहुत पैसे भी लगते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है ना, मतलब कि लेकिन जब आप सैंपल ले लोगे उसमें लोग कम हो जाएंगे, पैसे कम लगेंगे, टाइम कम लगेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है कि वाई सैंपलिंग रीजन, तो मैंने बता दिया लोग टाइम कम चाहिए, एक्सपेंस कम लगेंगे, पर्सनल पर्सनल लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है वो जो काम करने वाले लोग जो एक्सेल में डाटा कलेक्ट करेंगे, टेक्निकल बंदे, ठीक है, वो भी कम रिक्वायर होंगे। ठीक है, सैंपल सिलेक्शन, वाई सैंपल सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट, प्रॉपर सिलेक्शन, ये भी एक आता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सैंपल सिलेक्शन, कि प्रॉपर सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट सैंपल टेकन इज ट्रूली री रिप्रेजेंटिंग होल पॉपुलेशन। कि सैंपल सिलेक्शन जब आपने सैंपल लेना है तो उसको केयरफुली करना है, क्यों करना है, उसकी जरूरत मतलब कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ताकि जो चूज कर रहे हैं जो सैंपल आप उन लोगों को या उस चीज को जिसको आप एनालाइज करेंगे और फिर पूरी पॉपुलेशन का मतलब एक जर्नल एनालिसिस देंगे। जैसे मैं बताता हूँ कि अगर आपने यूनिवर्सिटी के अंदर देखा कि कितने डायबिटिक हैं, तो आपने हर डिपार्टमेंट से दो दो लोगों ले लिए। ठीक है, और ओवरऑल जो है ना एक यूनिवर्सिटी के मतलब बता दिया कि इसके अंदर एवरेज डायबिटिक्स इतने हैं, हालांकि आपने सारों को चेक नहीं था लिया। ठीक है, लेकिन अगर आप सैंपल गलत ले लेते तो हो सकता है आप डाटा भी गलत देंगे। ठीक है, आप एक सैंपल एक ही डिपार्टमेंट से 50 लोग ले लेते, दूसरे से लिए ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह जब आप लेंगे तो देयर विल बी रॉन्ग सैंपल सिलेक्शन, तो उसकी वजह से वो होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो सैंपल की जो सबसे खास बात होती है वो यही होता है कि ये एक ट्रूली रिप्रेजेंटिंग होल पॉपुलेशन होता है, ये पूरी पॉपुलेशन को एक पूरे तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सैंपलिंग प्रोसीजर सिलेक्शन, अब सैंपलिंग के लिए प्रोसीजर भी होता है, कौन से प्रोसीजर के जरिए आप सैंपल लेंगे। ठीक है, अब उसकी भी सिलेक्शन है, उसके लिए वो कहते हैं कि उसके लिए दो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। दो तरह की बेसिकली पॉपुलेशन होती है, फाइनाइट पॉपुलेशन एंड इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन होती है जो कि एंड हो जाएगी, ठीक है, एक ना एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी, वो एंड हो जाएगी। जैसे अब मैं कहता हूँ कि एक क्लास के अंदर बच्चे कितने हो जाएंगे, 100, 150, 200, कितने हो जाएंगे ना, मतलब एक नॉर्मल रेंज आती है। साइज ऑफ अ लॉट, लॉट कहते हैं लॉट का ये होती है ना जो एक बैच बनता है, 100 डब्बे, 200 डब्बे, तो वो डब्बों को इकट्ठे करने के कहते हैं लॉट। तो ये क्या है, काउंटेबल है, एक काउंटेबल चीज है और एक लिमिट तक होती है, उसके बाद मतलब उससे ज्यादा क्या ही कर लेंगे, 200 डब्बे काउंट हो सकते हैं, 300 काउंट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इनफाइनाइट पॉपुलेशन लेते हो तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन कौन सी होती है, नंबर ऑफ टेम्परेचर ऑब्जर्वेशन मेड ऑफ अ लॉट ओवर टाइम। कि एक लॉट है, एक यानी कि आपके पास माल पड़ा हुआ है, कुछ रॉ मटेरियल पड़ा है या कुछ प्रोसेस्ड फूड आपकी कोई प्रोडक्ट पड़ी हुई है जिसको आपने चेक करना है। जैसे मैंने कह दिया बिस्किट पड़े हुए हैं, आपने उसकी टेम्परेचर ऑब्जर्वेशन लेनी है। अब टेम्परेचर ऑब्जर्वेशन विल नॉट बी अ फाइनाइट पॉपुलेशन। अब टेम्परेचर ऑब्जर्वेशन कैसे फाइनाइट पॉपुलेशन नहीं है, हर मिनट पे टेम्परेचर हो सकता है चेंज हो रहा हो, हीटिंग के दौरान और था, हीटिंग के एक एक पॉइंट पे और टेम्परेचर होता है, जब कूलिंग हुई तो
कुछ कुछ सेकंड्स के बाद टेम्परेचर डाउन होता गया डाउन होता गया, तो एक दिन में आपको इतनी रीडिंग्स मिलती हैं उसकी कि वो काउंटेबल ही नहीं होती, तो उसको आप क्या कह देते हो, इनफाइनाइट पॉपुलेशन। ठीक है, अब ये इस हिसाब से आप देख रहे हो फाइनाइट पॉपुलेशन के अंदर क्या है, कि बिस्किट पड़े हैं साइज ऑफ अ लॉट, या बिस्किट वैसे पड़े हैं 100 हो जाएंगे, 1000 बिस्किट हो जाएगा, स्टिल दैट इज फाइनाइट पॉपुलेशन, एक एंड है उसका। लेकिन अगर आप एक ही दिन के अंदर ही सिर्फ देख रहे हो ना कि टेम्परेचर कितनी बार चेंज हुआ है, तो उसके हो सकता है लाखों ऑब्जर्वेशन हो, तो दैट विल बी द इनफाइनाइट पॉपुलेशन। रिगार्डलेस ऑफ द पॉपुलेशन टाइप द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम सैम्पलिंग एज कम्पेयर टू रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल वैल्यू टू इंश्योर द पॉपुलेशन सैंपल इज विद इन द स्पेसिफिकेशन। उसके बाद क्या होता है कि आपने बजाय इसके कि ये देखने जिस भी तरीके से आपने सैंपल सेलेक्ट किया है, ठीक है, फाइनाइट पॉपुलेशन है या इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, सैंपल के साथ करना क्या आपने, कि जो डाटा सैम्पलिंग के जरिए आएगा आप उसको एक एक्सेप्टेबल वैल्यू यानी कि स्टैंडर्ड्स बने होते हैं, कि जैसे आप फर्ज कर लो टेम्परेचर चेक करते हो या वैसे देखते हो कि बिस्किट का मॉइस्चर क्या है, ठीक है, तो जब आप चेक कर रहे हो तो उसका एक स्टैंडर्ड दिया होगा कि अगर इसके मुताबिक है तो यू विल कंसिडर इट एज ओके, और अगर इसके मुताबिक नहीं है तो आप इसको ओके कंसिडर नहीं करोगे, आप इसको रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो वो जो है वो बगैर पॉपुलेशन के तादाद के फाइनाइट है, बेशक इनफाइनाइट है। आपका बेसिक तरीके का यही होगा कि आप सैंपल के जरिए जरिए जो डाटा आएगा उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे, और स्टैंडर्ड के जरिए फिर आप देखोगे कि क्या वो जो एक सैंपल है वो विद इन स्पेसिफिकेशन है या नहीं है। सिलेक्शन ऑफ द सैम्पलिंग प्रोसीजर, ये बेसिकली है कि आप सैम्पलिंग करते हो, उसके बाद सैंपल प्रिपेयर करते हो, ठीक है, प्रिपेयर करने के बाद लेबोरेटरी एनालिसिस करते हो, जो डाटा आता है उसको प्रोसेस करते हो, और उसके बाद इंटरप्रेट करते हो। ठीक है, इंटरप्रेट करने से क्या मतलब है कि उसके बाद उसकी एक इन्फॉर्मेशन लेते हो, सैम्पलिंग आपने की क्या बिस्किट ले लिए, उसको प्रिपेयर किया, प्रिपेयर करने से मतलब है कि उसको अब लेबोरेटरी के अंदर ऐसे तो रही है कि पूरा का पूरा बिस्किट आपने उसके अंदर डाल देना टेस्ट ट्यूब के अंदर, जो आप उसको देखते हो कि उसको उसके हिसाब से प्रिपेयर करते हो, उसके बाद यानी कि कोई एसिड डालना, कोई बेस उसके अंदर ऐड करनी है, किस तरह चेक करना है, उसके बाद लेबोरेटरी एनालिसिस करते हो, कि लेबोरेटरी के अंदर ले जाके उसके अंदर चेक करते हो, कार्ब प्रोटीन फैट फर्ज कर लो आपने चेक करने थे, जो डाटा आया उसको प्रोसेस करते हो और इंटरप्रेट करते हो कि इसके अंदर कितने कार्ब थे, कितने प्रोटीन थे, कितनी फैट थी, तो उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं। और हर स्टेप का एक कॉमन स्टेप है डाटा ऑब्टेन फ्रॉम एनालिटिकल टेक्निक, ये सारी एनालिटिकल टेक्निक्स हैं और इनसे जो डाटा आ रहा है वो सेंटर में उसने किया हुआ है। ठीक है, एरर्स एंड एक्यूरेसी, एरर्स एंड एक्यूरेसी, एरर कैन अकर एट एवरी स्टेप इन अ प्रोसीजर, फाइनल एरर इज कैलकुलेटेड आफ्टर एडिंग। देखो जो बेसिकली एरर है ना वो ओवरऑल चेक किए जाते हैं, अब एक पूरा स्टेप चला, ठीक है, एक पूरा प्रोसीजर हुआ बिस्किट के आटे से लेके बिस्किट बनने तक का, तो हो सकता है उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, हर स्टेप पे जो भी एरर आया उसको टोटल किया जाता है और एंड पे बताया जाता है कि टोटल एरर कितना आया, उसको कहते हैं एरर वेरियंस। अब ये जो है बेसिकली वेरियंस इज एन एस्टिमेट ऑफ द अनसर्टेनिटी, एस्टिमेट ऑफ द अनसर्टेनिटी से क्या मुराद है कि ये जैसे ये नीचे उसने दिया हुआ ना, ये देखो दो पॉइंट है हमारे पास, वेरियंस होता है फैलाव, कि ये सेंटर पॉइंट है इससे दूर कितना, ठीक है, ये हमारा असल टारगेट है, उससे कितना दूर है हमारी असल वैल्यू। ठीक है, अगर बिस्किट का एक मॉइस्चर कंटेंट 1 होना चाहिए, तो अगर हमारे बिस्किट का 9 है तो इसका मतलब बहुत दूर है, ठीक है, तो डेट विल बी द हाई वेरियंस। ठीक, प्रिसीजन इज द मेजर ऑफ द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द डाटा, गेटिंग सेम रिजल्ट अगेन एंड अगेन, एक्यूरेसी इज द मेजर हाउ क्लोज द डाटा आर टू ट्रू वैल्यूज। अब ये पॉइंट दोनों याद रखें, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में फर्क है। प्रिसीजन कहते हैं कि अगर आपका एक डाटा फर्ज कर लो एक्चुअल स्टैंडर्ड क्या था मॉइस्चर का, 5, मॉइस्चर कितना होना चाहिए था 5, ठीक है, सपोज कर रहे हैं हम। अब प्रिसीजन क्या कहती है कि अगर आपने 10 बिस्किट चेक किए तो 10 के 10 का 5 आया, 5 4 5 6 इस तरह करके 7 7 आया, तो दैट विल बी हाई प्रिसीजन। ठीक है, और एक्यूरेसी भी है क्योंकि हमें क्या चाहिए था, स्टैंडर्ड चाहिए था 5, तो उसका मतलब है कि 5 ही आया और सबका 5 आया, ठीक है, ये आ गया लो एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन। अब लो एक्यूरेसी के से क्या मुराद है कि आपका स्टैंडर्ड था 5 लेकिन उसका क्या आया, जो बिस्किट एक वैल्यू है उसका आया 1 और सारों का ही 1 आया, 1 2 1 2, यानी कि डाटा एक्यूरेट है एक जैसा ही सारा, 5 ऑब्जर्वेशन की ना, अगर 5 बिस्किट लिए 5ों के अंदर मॉइस्चर सेम है लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, लो है। एक होती है हाई एक्यूरेसी लो प्रिसीजन, कि सारों के सारों का जो है वो डाटा जो है वो स्टैंडर्ड के नियर अबाउट आया, एक्यूरेसी कम हाई है, 5 आया, 4 आया, ठीक है, 6 आया, मतलब राउंड अबाउट आया, लेकिन सेम नहीं आया, सेम से मतलब 5 सारों का नहीं आया, कोई 5.5 था, कोई 6.5 था, ठीक है, तो दैट विल बी एक्यूरेसी सही है, सारे 5 के सारे की सारी वैल्यूज जो है आपके स्टैंडर्ड के नजदीक नजदीक है।
लेकिन प्रिसीजन कम है, सारी वैल्यू एक जैसी नहीं है, ठीक है, कोई पांच है कोई छह है, ठीक है। जो पहली वैल्यू थी इसमें सारे के सारे पांच थे, इसमें सारे के सारे एक थे, पांच नहीं था, मतलब तो स्टैंडर्ड से दूर थे। और ये जो है इसमें स्टैंडर्ड के तो नजदीक नजदीक है, लेकिन सारी वैल्यूज डिफरेंट है। और लो एक्यूरेसी लो प्रिसीजन, कोई वैल्यू सात आ रही है, कोई एक आ रही है, कोई तीन आ रही है, कोई दो आ रही, तो ना एक्यूरेट ना प्रिसाइज। ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं, जल्दी से बता दो चैट के अंदर। अगर नहीं समझ आया तो यहीं से पूछ लो, ताकि हम आगे सही तरह चलें। चलो ओके okay। अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं सैम्पलिंग प्लान। द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर अप्लाइड साइंसेस डिफाइन अ सैम्पलिंग प्लान एज अ प्री डिटरमाइंड प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन। ये एक प्री डिटरमाइंड प्रोसीजर होता है, सैम्पलिंग प्लान की डेफिनेशन है। ये इवनिंग वालों के अंदर होगी, मॉर्निंग वालों के अंदर आई थिंक नहीं है। विदड्रॉल, प्रिजर्वेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रिपरेशन। पहले आप सैंपल सेलेक्ट करते हो, विदड्रॉ करते हो, सेलेक्ट करते हो कि यहाँ से सैंपल लूंगा, वहां से आप सैंपल विदड्रॉ कर लेते हो, उसको प्रिजर्व करके रखते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, और जब आपने उसको एनालिसिस करना है तो उसको प्रिपेयर करते हो और देन उसको चेकआउट कर लेते हो, ठीक है। तो ये वाली रहने दो, ये रेड लाइन। सैम्पलिंग प्लान अ वेल ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट विच कंटेन रिक्वायर्ड प्रोसीजर टू अचीव प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव। सैम्पलिंग प्लान से क्या मुराद है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि तमाम के तमाम प्रोसीजर लिखे होते हैं जो आपको उस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव हासिल करने में हेल्प आउट करते हैं। जैसे कि अब प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, सैम्पलिंग के प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे बिस्किट की मॉइस्चर चेक करना है, ठीक है। तो उसके अंदर उस मॉइस्चर चेक करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन सारे प्रोसेस को जब हम देखेंगे तो उसको जहाँ पर लिखा होगा जिस डॉक्यूमेंट में, उसको हम कह देते हैं सैम्पलिंग प्लान। इट शुड एड्रेस द इशू ऑफ हु, व्हाट, वेयर, बाय एंड हाउ। कौन, कब, कैसे, कहाँ, कैसे और किस तरह, ठीक है, क्यों और किस तरह, ये सारी चीजें उसके अंदर लिखी जाएंगी। कौन करेगा एनालिसिस, कैसे करे, क्या करेगा, किधर करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, ठीक है, ये सारे आंसर इधर करने। द प्राइमरी एम ऑफ सैम्पलिंग इज टू ऑब्टेन अ सैंपल इट डिक्रीज साइज दैट विल सेटिस्फाई द सैम्पलिंग प्लान स्पेसिफिकेशन। जैसे मैंने पहले भी बताया तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मेन एम ऑफ सैम्पलिंग इज टू रिड्यूस, टू सेव टाइम, टू ऑब्टेन, यानी कि सैम्पलिंग का प्राइमरी एम क्या है, सैम्पल को आपने ऑब्टेन करना ताकि उसका साइज जो है वो कम किया जा सके। स्टार्ट में भी ये बताया था सैम्पलिंग इज द मेन स्टेप इन एनालिसिस, तो ये सैम्पल जो सिलेक्शन है दैट इज अ मेन स्टेप इन द होल एनालिसिस प्रोसीजर। सैम्पलिंग प्लान शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसके अंदर, ये है कि सैम्पलिंग ऑब्जेक्टिव क्यों करना चाह रहे हैं। तो उसमें जिसने उसने कहा टू एस्टिमेट एवरेज वैल्यू ऑफ अ करेक्टरिस्टिक्स, जैसे आप कहते हो कि आप चेक करना चाह रहे हो कि ओवरऑल बिस्किट्स के अंदर कितनी स्वीटनेस थी, एवरेज स्वीटनेस क्या थी, तब भी आप सैम्पलिंग करोगे। और टू डिटरमाइन इफ दैट एवरेज वैल्यू इज मीटिंग स्टैंडर्ड। और सेकंड क्या है कि जब आपने उस एवरेज वैल्यू को फाइंड कर लिया है, उसके बाद आपने ये चेक करना है कि क्या ये स्टैंडर्ड्स को मैच कर रही है या नहीं कर रही। उसके अलावा पॉपुलेशन स्टडी करना है, स्टेटिस्टिकल यूनिट को देखना, स्टेटिस्टिकल यूनिट से मुराद है कि वो जो एक स्टैट लगा के उसको चेक करना है। द सैम्पल सिलेक्शन क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, स्टेटिस्टिकल यूनिट से मुराद है कि स्टैट जो इस्तेमाल करनी है उस पर भी डिपेंड करता है। स्टडी पॉपुलेशन कौन सी है, फाइनाइट, इनफाइनाइट, उस पर डिपेंड करता है सैम्पलिंग प्लान। सैंपल सिलेक्शन क्राइटेरिया किस तरह आपने उसका क्राइटेरिया क्या सेट किया कि ये वाला सैंपल चूज होगा ये नहीं होगा, वो भी डिपेंड करता अफेक्ट करता है सैम्पलिंग प्लान को। और द एनालिसिस प्रोसीजर के किस प्रोसीजर के जरिए आप उसको एनालाइज करेंगे, ये ऐसा कोई इतना नहीं है इसके अंदर देखने के सैम्पलिंग प्लान को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन क्या पर्पज है, ये आगे उसके क्वेश्चन है कि क्या ये पर्पज, मतलब इंस्पेक्शन का क्या पर्पज है, क्या आप सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि बस ये जो बिस्किट बने हैं अगर ये वैल्यू हुई तो एक्सेप्ट करेंगे, ये हुई तो रिजेक्ट कर देंगे। एक तो ये होता है, ये मतलब आपका पर्पज है। दूसरा पर्पज हो सकता है कि आप सिर्फ एवरेज क्वालिटी चेक करना चाहते हो कि ओवरऑल यहाँ पे जो बिस्किट बन रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी है। और यह थर्ड पॉइंट है कि आप ये चेक करना चाहते हो कि इसके अंदर कितनी वेरिएबिलिटी है, कि अगर पहले बिस्किट के अंदर इतनी मॉइस्चर था तो चौथा, पांचवा या अगले नंबर पर जो सैंपल लिया गया था उसमें कितना वेरिएबिलिटी है, उसमें मॉइस्चर कितना था। तो ओवरऑल इससे अब जब वेरिएबिलिटी चेक करोगे तो उससे आपको पता लगेगा कि जो मशीनें काम कर रही हैं वो कितना एक्यूरेट है। एवरेज क्वालिटी चेक करोगे तो उससे पता लगेगा कि ओवरऑल मटेरियल कैसा है, क्वालिटी कैसी है, ओवरऑल फैक्ट्री की वर्किंग क्या है। और ये तो सिंपल होता है कि आप या तो रिजेक्ट करते हो या एक्सेप्ट करते हो। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ये भी अफेक्ट करता है सैम्पलिंग प्लान को, इसके अंदर क्या है कि होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। यूनिट साइज क्या है, यूनिट से मुराद है एक बैच जो इकट्ठा बन के आ रहा है उसका क्या साइज है, या एक बिस्किट है छोटा बिस्किट होता है ना उसका छोटा साइज है, डब्बा है तो दो दो लीटर का यूनिट हो सकता है एक, ठीक है। हाउ कंसिस्टेंटली हैव पास्ट पॉपुलेशन मेट स्पेसिफिकेशन,
पहले जब भी एनालिसिस किया गया था उसी चीज का, यानी कि प्रीवियस कोई एनालिसिस हुआ था महीने पहले 2 महीने पहले, उसमें कितनी के स्पेसिफिकेशंस को मैच किया गया था, यानी कि जाहिर सी बात है जो लास्ट टाइम अगर वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक थे प्रोडक्ट तो इस बार भी होंगे, या कुछ हल्की फुल्की कमी पेशी आएंगे। अगर पहले ही नहीं था तो इस बार आपने प्लान को ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाना है, ठीक है। और कॉस्ट जो है वो सैम्पलिंग की कौन मैनेज करेगा, ठीक है, जो भी आप उसके दौरान, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल बीइंग सैंपल्ड, के जो जो सैंपल आप उठाएंगे वो कैसे, उसकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी, दैट विल आल्सो डिफाइन सैम्पलिंग प्लान। क्यों, देखो बिस्किट तो सस्ता पड़ता है ना, कई बार अब केमिकल्स हैं, लाखों के केमिकल्स हैं, अगर आप उनमें से सैंपल लेने लग गए तो इसका मतलब है 2-2 हज़ार का आप सैंपल ही इस्तेमाल कर जाएंगे, ठीक है। तो दैट आल्सो डिफाइंस कि सैम्पलिंग प्लान आपका क्या होगा। नेचर ऑफ टेस्ट मेथड, कि आप जो टेस्ट करने लगे हो, जिससे आपने टेस्ट करना है, वो उसकी क्या नेचर है, क्रिटिकल है या माइनर है। क्रिटिकल से मतलब है कि बहुत बहुत साइंटिफिक है, बहुत प्रिसाइज है, बहुत एक्यूरेटली करना है या बस ऐसे ही। और अगर आप इसको करते हैं तो उस टेस्ट की वजह से मतलब कि अगर इस टेस्ट के जरिए आप देखते हो कि आप कह देते हो कि टेस्ट फेल हो गया, ठीक है, जब आपने बिस्किट चेक करने थे कि इसके अंदर कोई कार्सिनोजेन तो नहीं है, कैंसर कॉजिंग सिस्टम जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स तो नहीं मौजूद, तो अब उससे आपने देखना है कि अगर पॉपुलेशन फेल हो जाती है और उसके अंदर मौजूद होते हैं कार्सिनोजेंस, तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन सिक हो सकती है। तो इस हिसाब से आप उसकी स्ट्रिक्टनेस चेक करोगे कि कितना स्ट्रांग प्लान होना चाहिए। इज द टेस्ट डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव से क्या मुराद है कि टेस्ट कई बार क्या होता है, बिस्किट जो है वो पूरा ऐश कर दिया जाता है उसको, मतलब जला देते हैं बिस्किट पूरा और फिर उसको चेक किया जाता है, तो दैट इज द डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव कैसे होता है कि जैसे बल्ब है जो आपका लाइट बल्ब होता है, ये चेक करना, तो इसको क्या करेंगे, लगाएंगे, चेक करेंगे, बल्ब चल पड़ा उतार लेंगे, तो इसका मतलब है कि वो बल्ब सही है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुई, कोई टूटा नहीं है चीज। हाउ मच द टेस्ट कॉस्ट टू कम्प्लीट, और टेस्ट की कॉस्ट क्या है। नेचर ऑफ द पॉपुलेशन, इज इट द लॉट लार्ज बट यूनिफॉर्म। नेचर ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जहाँ से आप सैंपल ले रहे हो वो लॉट होती है ना, वो बिस्किट के 50 डब्बे हैं फर्ज का लो, वो क्या है, बड़ी है और यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म बना दे एक जैसी है, ये ना हो एक डब्बे में बिस्किट जो है वो बहुत ज्यादा मॉइस्चर वाले हैं, दूसरे में बिल्कुल ड्राई हैं, ठीक है, तो इस तरह ये यूनिफॉर्म नहीं होगी। डज द लॉट कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर इजिली आइडेंटिफाइड सब स्लॉट, क्या लॉट बड़ी जो लॉट है, अगर 1,000 डब्बों की एक लॉट है तो उसके अंदर कुछ सब स्लॉट्स बनी हुई है कि नहीं, कि ये एक स्लॉट है, इसमें से आप एक सैंपल ले लें, एक सैंपल दूसरे स्लॉट में से ले लें, ताकि इजी हो जाता है सैंपल सिलेक्शन। और व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट विद इन द पॉपुलेशन, और जो यूनिट है यानी कि एक बिस्किट जो है वो पूरे पॉपुलेशन में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, एक पैकेट में 3 है, एक डब्बे में 24 पैकेट है, एक बड़े पैकेज में 6 डब्बे हैं, एक पूरी लॉट में बड़े जो बड़े जो डब्बे हैं वो 10 हैं, तो इस तरह करके वो एक सेक्शंस बने होते हैं, तो इस ये चीज़ भी उसको बताती है। ओके, एट्रीब्यूट सैम्पलिंग वर्सेस वेरिएबल सैम्पलिंग मॉर्निंग इवनिंग दोनों का है, और इसकी एक थर्ड टाइप भी होती है, दैट इज एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। एट्रीब्यूट सैम्पलिंग बेसिकली क्या होती है, इट इज क्वालिटेटिव वाइल वेरिएबल सैम्पलिंग इज क्वांटिटेटिव, वी ओनली टेल वेदर अ स्पेसिफिक करेक्टर और एरर इज प्रेजेंट और नॉट। अब क्वालिटी के हिसाब से आप सिर्फ ये बताते हो कि स्पेसिफिक करेक्टर है या नहीं है, मीठा है बिस्किट या नहीं, ठीक है, बस ये बताते हो, मीठा बिस्किट मीठा था या नहीं था, हाँ या ना में जवाब देते हो, दैट विल बी एट्रीब्यूट सैम्पलिंग। वेरिएबल सैम्पलिंग के अंदर आप बताते हो मीठा था तो कितना था, ठीक है, उसका एक लेवल देते हो, ठीक है, एग्जाम्पल उसकी दी हुई है प्रेजेंस ऑफ क्लिस्ट्रिडियम बोटुलिनम इन कैंड फूड। अब कैंड फूड है तो जो एक डिब्बे वाले फूड होते हैं उसके अंदर बॉटल क्लोस्ट्रीडियम एक बैक्टीरिया होता है, प्रेजेंट था या नहीं था, हाँ में लिख देना है तो ना, या ना में दे देना, दैट विल बी एट्रीब्यूट सैम्पलिंग। और अगर आप ये बताओगे कि उसका लेवल कितना था, उस क्लिस्ट्रिडियम बोटुलिनम का लेवल उस कैन फूड के अंदर कितना था, कितनी अमाउंट थी, कितना लेवल था, दैट विल बी वेरिएबल सैम्पलिंग। आसान अल्फाज में खाने के अंदर नमक था या नहीं था, एट्रीब्यूट सैम्पलिंग, कितना था, वेरिएबल सैम्पलिंग। ये डाइकोटोमस डाटा होता है, डाइकोटोमस का मतलब है दो ही पॉइंट है, वन और टू, यस और नो, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस स्केल है, इसकी एक रेंज होती है, इतने ग्राम था तो अब ग्राम का कभी भी नहीं एंड होने लगे, तो उसका एक रेंज आएगी, इतने ग्राम था या इतने था या इतना था, या तो वो रेंज बढ़ती जाएगी। हेट्रोजियोमेट्रिकल बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब बाइनोमियल या पॉइजन, इन सारों का मतलब यही है कि टू पॉइंट्स, दो लफज हैं उसके अंदर, येस और नो, बाइनोमियल दो ही, दो आंसर हो सकते हैं, येस और नो, द डेटा इज, ये उसकी ऑपोजिट पॉइंट, वैसे ही खाली जगह आनी थी, मैं जगह चाहिए हुई है, द डेटा इज कम्पेयर विद स्टैंडर्ड टू फाइंड डिफरेंस। अब इसके अंदर जो है वो डेटा को स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है टू फाइंड द डिफरेंस, जाहिर सी बात है एक रेंज आ रही है तो उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। फर्ज कर लो अगर आपने स्टैंडर्ड सेट किया था कि 1 ग्राम जो है सॉल्ट होना चाहिए इस पूरी देश की के अंदर या इस पूरी देश के अंदर, एक मिसाल है, ठीक है, तो अब उसके अंदर चेक किया तो कितना था,
2 ग्राम या 3 ग्राम आपने ओवरऑल चेक किया, तो अब उसको आप स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हो। इसके अंदर आप वैल्यू दे ही नहीं रहे, ठीक है, कोई ग्राम की बात ही नहीं कर रहे, आप ये नहीं बता रहे कि कितने था कितना था, आप सिर्फ ये बता दो था, ठीक है। अब होना या ना होना उस हिसाब से फिर आप इसके कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते, ठीक है, कोई ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है जिससे आप कंपेयर करोगे, ठीक है। इट नीड्स स्मॉल सैम्पल साइज, वेरिएबल सैम्पलिंग में आपको स्मॉल सैम्पल साइज चाहिए होता है। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, सैम्पलिंग डन, क्यों इसके अंदर जो है ना वो लार्ज सैम्पल साइज चाहिए, क्यों चाहिए? देखो अब हो सकता है एक डिब्बे में ना हो, दूसरे में हो सकता होता, तीसरे डब्बे में हो सकता था फिर से कोई शायद ना होती, ठीक है, तो आपको सैंपल्स ज्यादा चाहिए होते हैं टू फाइंड आउट कि वाकई चीज प्रेजेंट है या नहीं है। इसके अंदर आपको 2-3 से लोग, आपको ओवरऑल अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा इतना का एवरेज इनटेक चल रहा है, ठीक है। थर्ड आ जाती है एक्सेप्टेंस सैंपलिंग, सैंपलिंग डन टू डिटरमाइन इफ एट्रीब्यूट एंड वेरिएबल ऑफ द शिपमेंट इज विद इन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड, ये होती है एक्सेप्टेंस सैंपलिंग। ये इनमें देखी जाती है कि इसके बाद की जाती है कि एट्रीब्यूट सैंपलिंग और वेरिएबल सैंपलिंग से जो भी आपके पास डाटा आया है उसको आपने देखना है कि जो आपके एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स हैं उसके अंदर वो आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। अब एट्रीब्यूट सैम्पलिंग से जैसे आ गया, अब क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के अंदर वो कहता है कि ये मैं करता हूँ सैम्पल, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के अंदर वो क्या कहता है कि ये अब प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, फूड के अंदर इसका प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए थी, तो ये येस और नो में आंसर आना चाहिए था। तो इसका आपके पास स्टैंडर्ड आंसर क्या है? नो, ठीक है, कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर प्रेजेंट है तो आप ये इसका मतलब है ये कि आपके एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। जब इधर आप आते हो तो इधर वो कहता है कि सॉल्ट इतना होना चाहिए इतना नहीं है, तो इसका मतलब है कि एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया गया, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि इन दोनों से जो डाटा आया है दैट इज अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडर्ड्स और नॉट, तो उसके लिए हम करते हैं एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। मैंने सैंपल साइज के हवाले से बात कर रहा था, तो सैंपल साइज जो है वो इसके अंदर स्मॉल सैंपल साइज है क्योंकि आपको ओवरऑल एवरेज से पता लग जाता है। अगर आपके पास एक लेवल है आपने चेक करने के कितनी 100 जूस के डब्बे में कितनी एवरेज चीनी चल रही है, तो आप 4-5 डब्बे लोगे उससे चेक कर लोगे, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि ओवर एवरेज आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो हो सकता है आपको लार्ज सैंपल साइज चाहिए हो क्योंकि एक डब्बे में अगर क्लिस्ट्रीडियम है ना बैक्टीरिया एक जगह पे आ गया दूसरे में ना हो सकता ना हो क्योंकि वो फैलती नहीं है चीज़, ठीक है। इनमें एट्रीब्यूट सैम्पलिंग में आप वो चीज़ चेक करते हो जो कि मतलब ओवरऑल मिक्स नहीं होती, होमोजीनियस डाटा नहीं देती, ठीक है। नमक है ना ओवरऑल एक जैसे ही रहेगा ना, ऐसा तो नहीं है कहीं से ज्यादा नमकीन है सालन और कहीं से कम नमकीन होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बोटुलिनम या ये इस तरह कोई बैक्टीरिया है तो हो सकता है पहले डब्बे में ज्यादा हो एंड वाले में ना हो, ठीक है, इसलिए इसके अंदर आपको ज्यादा सैंपल्स चाहिए होते हैं। क्लियर हुआ? रमीशा क्लियर हुआ? जी भाई, हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सेप्ट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग प्लान। मॉर्निंग के अंदर सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, इवनिंग की डिटेल्स भी है। सिंगल सैम्पलिंग प्लान है, इसके अंदर आप सिर्फ ये बताते हो कि एक सैंपल लेते हो, सिंगल सैंपल लेते हो और उसी की बेस पर डिसाइड करते हो कि लॉट पूरी लॉट रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। आपने 100 डब्बे बिस्किट के उठाए, उसमें से एक बिस्किट चेक किया वो खराब निकला, आपने कह दिया जी सारी लॉट रिजेक्ट है। डबल सैम्पलिंग के अंदर होता है कि 2 सैंपल लेते हो। मल्टी सैम्पलिंग प्लान होता है, इसके अंदर आप नंबर ऑफ डिफरेंट सैंपल्स लेते हो और उसकी बेस पे आप डिटेक्ट करते हो। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर रिजेक्शन लाइन एंड एक्सेप्टेंस लाइन होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इस तरह करके 2 लाइन लगी होती हैं, ये होती है रिजेक्शन लाइन और इस तरह करके होती है एक्सेप्टेंस लाइन, और यहाँ पे लगा होता है स्टैंडर्ड स्केल, इतना होना चाहिए फर्ज कर लो, ठीक है, इस तरफ साइड पे स्टैंडर्ड स्केल बना होता है। तो आप क्या चेक करते हो? नंबर ऑफ सैंपल टेकन, अब आप सैंपल लिया उसकी कोई वैल्यू आ गई, अब ये ऊपर वाली रिजेक्शन लाइन है और ये क्या है एक्सेप्टेंस लाइन है। फर्ज कर लो को डाटा आपने चेक किया स्केल के मुताबिक डाटा आया, यहाँ पे आप डॉट लगाते जाते हो, ठीक है, और यहाँ पे कोई डाटा आ गया कुछ, ठीक है, जो भी डाटा आता है क्या स्केल के मुताबिक आप उसके सामने डॉट लगाते हो, ठीक है। अब आप चेक करते हो कि क्या ज्यादा डॉट जो है वो इस लाइन के ऊपर है या इस लाइन के ऊपर है। अगर इस लाइन के ऊपर यानी कि इस रीजन के अंदर ज्यादा डॉट्स हैं तो इसका मतलब है आप इस लॉट को क्या कर लोगे एक्सेप्ट कर लोगे क्योंकि ये एक्सेप्टेंस लाइन से ऊपर है। लेकिन अगर इस रिजेक्शन लाइन के ऊपर ज्यादा डॉट्स आए हैं, ज्यादा वैल्यूज इसके इस वाली लाइन से ऊपर आती है, तो इसका मतलब है कि आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। मिसाल के तौर पर यही बोटुलिनम का जो लेवल है, क्लोस्ट्रीडियम का जो लेवल है, आप उसमें चेक करते हो यहाँ पे आता है 0, 1 और इधर 2 आ जाता है, तो 2 नहीं, हम एक अपनी तरफ से स्टैंडर्ड बना रहे, तो 1 तक एक्सेप्ट है, 2 हुआ तो नहीं एक्सेप्ट होगा। आपने ज्यादातर सैंपल देखे जिनमें 2 था, ठीक है, ये 1 से ऊपर था,
इसका मतलब आप पूरी लॉट को क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दो। तो इस तरह जो है इसकी डबल लाइन होती है, नीचे जो एक्सेप्टेंस लाइन होती है, ऊपर वाली जो लाइन होती है वो रिजेक्शन लाइन होती है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सिक्वेंशियल सैम्पलिंग, इट इज अल्टीमेट एक्सटेंशन ऑफ मल्टीपल सैम्पलिंग। अब ये जो मल्टीपल सैम्पलिंग है उसके अंदर मजीद एक्सटेंशन की गई है। इसके अंदर आप सैंपल लेते हो, उसको एनालाइज करते हो, और जो रिजल्ट आता है उसकी बेस पे आप चेक करते हो कि मैं, अब ये थोड़ा सा एडवांस है। इसमें सिर्फ है कि जैसे ही आपने सैंपल लिया, चेक किया, उसके बाद आप क्या कह देते हो, रिजेक्ट या एक्सेप्ट। इसमें आपके पास थोड़ी सी एक्सटेंशन है कि आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट तो कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक और चांस होता है कि आप एक और सैंपल भी ले सकते हो, बजाय इसके कि उसी पे बेस होके एक डिसीजन बना देना। आप ये डिसाइड करते हो कि क्या अभी मैं इसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट या रिजेक्ट करूं, या मजीद सैंपल ले लूं। तो ये जो मजीद सैंपल लेने वाला काम है, दैट इज स्पेसिफिक टू सिक्वेंशियल सैंपलिंग। बाकी जो मल्टीपल सैंपलिंग है उसमें आप एक बार जब आपने सैंपल ले लिया, उसके बाद आप सिर्फ डिसाइड करते हो कि एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। स्किप लॉट सैम्पलिंग, अगर आपके पास बहुत ज्यादा लॉट्स हैं तो आप उसमें क्या करते हो, सारों के अंदर से नहीं चूज करते, आप कुछ लॉट्स को चूज करते हो। जैसे अगर 100 ऐसे बड़े बड़े पड़े हैं, पैकेज पड़े हैं जिसके अंदर 100 बड़े बड़े बिस्किट के डब्बे हैं, और हर डब्बे के अंदर जो है वो छः छः डिब्बे बिस्किट के डिब्बे हैं, और उनके अंदर छः छः बिस्किट्स हैं, तो इसका मतलब है 10 लॉट्स पड़ी हैं। तो आप 10 लॉट में से क्या करते हो, कुछ को चूज कर लेते हो, कि तीन चूज कर ली उन रैंडमली, उन तीनों में से आपने कुछ बिस्किट चूज कर लिए। तो दैट इज स्किप लॉट सैम्पलिंग, कि आप एक स्पेसिफिक प्रोसीजर के जरिए जो है वो कुछ को स्किप कर देते हो और कुछ को चूज कर लेते। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रिस्क एसोसिएटेड विद सैम्पलिंग। ये दो तरह के हो सकते हैं, कंज्यूमर रिस्क और वेंडर रिस्क। कंज्यूमर के अंदर ये होता है कि डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग पुअर क्वालिटी पॉपुलेशन हैपन रेयरली। ठीक है, ये बताता है कि कंज्यूमर को ये रिस्क हो सकता है कि अगर आपकी सैम्पलिंग ठीक नहीं हुई और आपने ये किसी एक खराब लॉट को कह दिया कि ये ठीक है, ठीक है, लॉट खराब थी आपने कह दिया ठीक है, तो उसमें किसको नुकसान होगा, कंज्यूमर को, क्योंकि वो उसके इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन इसके चांसेस क्या कहते हैं, कम होते हैं, लेस देन 5% चांसेस होते हैं ऐसे केसेस के। ठीक है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जो वेंडर रिस्क है उसमें ये है कि लॉट ठीक थी, आपने गलत सैंपलिंग की जिसकी वजह से आपने लॉट को रिजेक्ट कर दिया, अब इसका सारा नुकसान चला जाएगा वेंडर बेचने वाले को। ठीक है, और इसके चांसेस यूजुअली ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो भी चेक करने आता है ना उसके दिमाग में यही होता है कि मैंने रिजेक्ट करके जाना है। ठीक है, यूजुअली यही होता है ना, छापा इसीलिए पड़ता है। ठीक है, तो इसके चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। सैम्पलिंग प्रोसीजर डिफरेंट होते हैं, देर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर मजीद पांच टाइप्स हैं, ये पांचों में से चार टाइप जो है वो मॉर्निंग की फाइल्स का पार्ट है, पांचवी और ये लास्ट टू जो है ये सिर्फ इवनिंग का पार्ट है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर जो है वो मजीद हमारे पास जो है वो पांच टाइप्स हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब ये मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आसान अल्फाज हैं, जो आपकी स्लाइड्स हैं वो थोड़ी सी मुश्किल हैं, आप अपने यहाँ से समझो, अपने लफ्जों में भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल जो है वो आपने अपनी स्लाइड से देख के कर लेनी है, मॉर्निंग वालों को कह रहा हूँ। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, वी नो टोटल नंबर ऑफ यूनिट एंड देन ईच यूनिट इज असाइंड अ नंबर। आप क्या करते हो कि आप टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जानते हैं, आपको पता होता है कि यहाँ पे जैसे क्लास के अंदर मैंने रैंडम सैम्पलिंग करनी है, मुझे पता है क्लास की स्ट्रेंथ है 80 बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं हर एक यूनिट को एक नंबर दे दूंगा, जिस तरह आपको रोल नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, रैंडमली दूंगा, मुझे नहीं पता किसको रोल नंबर 1 देना 2 देना, ऐसे रैंडमली जैसे आप बैठे थे मैंने रोल नंबर देने शुरू कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या कहूंगा, वहां खड़ा हो जाऊंगा और कहूंगा 7 नंबर रोल नंबर आ जाए, 8 नंबर आ जाए, 20 नंबर आ जाए, इस तरह रैंडमली कोई ना कोई नंबर बोल दूंगा कि 6, 25 और 18 वाले इस तरह आ जाए, तो वो डेट विल बी टर्म एज रैंडम सैम्पलिंग। पहले मैंने सबको एक नंबर दिया और उसके बाद अपनी मर्जी से ऐसे ही तुक्के मार मूर के अपने अपनी तरफ से कोई ना कोई 6, 7 नंबर बोल दिए कि ये लोग आ जाएं, इनको मैं एज अ सैंपल चूज करूंगा। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल आपकी मर्जी के बगैर एक जनरलाइज सैंपल आएगा। ठीक है, इसमें आपकी बायसनेस कम हो जाती है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के अंदर क्या करते हो कि आप एक, आपके पास एक लिस्ट होती है, जिस तरह अभी मैंने कहा ना, अब उसके अंदर लिखे नहीं, सिर्फ नंबर बता दिया, अभी तुम्हें तुम्हारा 1 नंबर है, तुम्हारा 2 नंबर है, जब मैं अगर मैं कह दूं कि 2 नंबर आ जाए तो 2 नंबर उठ के आ जाए। ठीक है, तो रैंडमली कोई ना कोई बाद में नंबर बोलते हैं। सिस्टमेटिक के अंदर आपके पास लिस्ट होती है, जिस तरह अभी एजी वाइज आपकी पूरी लिस्ट बनी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ कि लिस्ट सॉरी नहीं बनी हुई, ऊपर वाले में हमारे पास लिस्ट बनी हुई थी सिंपल रैंडम में, एक लिस्ट बना ली हमने 1, 2, 3, 4, 5, ये तब सिस्टमेटिक सैम्पलिंग आप तब इस्तेमाल करते हो जब आपके पास प्रॉपर लिस्ट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन सैंपल जब आपको पता है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टाइम और स्पेस। आसान अल्फाज में अगर इसको मैं समझाना चाहूँ कि बिस्किट बन रहे हैं, तो आपने कभी वो फूड फैक्ट्री देखा हो, तो क्या होता है वो फटा सा एक ना लोहे की चेन चल रही होती है और उसके ऊपर बिस्किट ऐसे ना आ रहे होते हैं। ठीक है,
वो चेन चल रही होती है और बिस्किट जो है वो जिस तरह ओवन से निकल के आ रहे हैं तो वो चेन चलती जाती है और बिस्किट उसके ऊपर जो है वो कन्वेयर बेल्ट कहते हैं जिसको, तो उसके ऊपर वो बिस्किट जो है वो चल रहे होते हैं। अब उसके अंदर आपके पास लिस्ट नहीं है कि ये बिस्किट नंबर 1 है, ये 2 है, वो तो कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं ना। तो इस केस में आप कौन से अप्लाई करोगे, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग अप्लाई करते हो, ठीक है। इस वाले में जो सिंपल रैंडम है उसमें आपके पास लिस्ट थी, यहाँ लिस्ट नहीं है। अब सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होती है कि आप क्या करते हो कि पहला सैंपल रैंडमली चूज करते हो, रैंडमली से कैमरा आ जाए कि आप कहते हो कि 25 नंबर वाला सैंपल जो है मैं उठा लूंगा, तो आप वहां से काउंट करते हो 25 नंबर पे जो बिस्किट आता है वो ले लेते हो, और उसके बाद आप क्या डिसाइड करते हो कि अब इसके बाद हर 7वां बिस्किट मैं उठाऊंगा। पहले आपने रैंडमली बताया कि फलां नंबर वाला बिस्किट मैं उठाऊंगा, 25 नंबर उठा लिया, ठीक है, और उसके बाद आप कहते हो अब हर 7वां बिस्किट जो आएगा वो मैं उठाता जाऊंगा। तो पहले आपने रैंडम चूज किया, उसके बाद एक सिस्टम दे दिया, तो इट विल बी टर्म्ड एज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, इन्वॉल्व डिवाइडिंग द सैंपल इनटू ओवरलैपिंग सब ग्रुप सो दैट ईच सब ग्रुप इज एज होमोजेनियस एज पॉसिबल। तो वो कहते हैं कि अब इसके अंदर आप ग्रुप्स बना देते हो, ग्रुप्स इस तरह बना देते हो कि इस तरह ग्रुप बनाते हो, सब ग्रुप्स बना देते हो, एक तो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसके अंदर, सब ग्रुप्स इस तरह बनाते हो कि एक ग्रुप के अंदर जितने सैंपल हैं या जितने भी पॉपुलेशन, जितने भी लोग हैं या जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सेम टू सेम हो। जैसे मैं क्लास के अंदर खड़ा होता हूँ तो मैं एक ग्रुप लड़कियों का ग्रुप बना देता हूँ, एक लड़कों का ग्रुप बना देता हूँ, दोनों ग्रुप्स आपस में होमोजीनियस हैं, एक अंदर के अंदर मतलब आपस में समझ रहा था, हर ग्रुप के अंदर एक ही जैसी तरह के हैं, वो सारी लड़कियां ये सारे लड़के हैं, लेकिन जब दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे एक ग्रुप को दूसरे से तो दोनों इंटायरली डिफरेंट है, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर क्या किया जाता है कि जो हर सब ग्रुप होता है उसके अंदर दो सब ग्रुप बना देते हैं, सब ग्रुप जो 1 है वो सारा एक जैसा है, सब ग्रुप 2 सारा एक जैसा है, और आपस में दोनों डिफरेंट है। अब हर ग्रुप में से हम रेंडमली सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि दोनों ग्रुप्स को इक्वली मिल जाता है। पहले वाले केस में क्या था, जिसमें मैंने रोल नंबर वाइज हो सकता था मैं ज्यादा लड़कियां ले लेता, कम लड़के आते, ठीक है, जब या ज्यादा लड़के एक्सेप्ट जो है सैंपल, क्योंकि रैंडम थे तो और कम लड़कियां थी। लेकिन अब आपने जब स्ट्रेटिफाई कर लिया, स्ट्रेटा बना दिए, ग्रुप्स बना दिए, अब आपको पता है कि इधर से भी बराबर 10 लेने लड़के, 10 ही लड़कियां लेनी है, तो अब होंगे रैंडम ही, आपकी मर्जी के नहीं है लड़के लड़कियां, लेकिन स्टिल जो है आपने जब ग्रुपिंग की तो वो दोनों बराबर होंगे। तो इससे आपको जो है द प्रोसीजर प्रोवाइड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बिकॉज नो पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सक्लूडेड एंड इज लेस एक्सपेंसिव देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि एक ग्रुप बना लिए, अब ग्रुप बना के जो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वो ओवरऑल पॉपुलेशन आपने सेलेक्ट कर ली, और मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन में एक रिप्रेजेंटेटिव अच्छा सैंपल जब आपने सेलेक्ट कर लिया, और ये लेस कॉस्टली है सिंपल रैंडम की नस्बत। क्यों, सिंपल रैंडम में आप रैंडमली बिस्किट उठा रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आप 50 कई सारे उठा लें और उसपे उतनी ही ज्यादा एफर्ट भी करनी पड़े। जब आपने ग्रुप बना दिए तो आप दोनों में से एक लिमिटेड अमाउंट उठा लोगे एंड दैट विल बी अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद आ जाते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं इन्वॉल्व डिवाइडिंग द पॉपुलेशन टू सब ग्रुप और क्लस्टर टू मेक सिमिलर ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स। क्लस्टर शुड बी स्मॉल विद सिमिलर नंबर ऑफ यूनिट इन ईच क्लस्टर। अब क्लस्टर के अंदर आप क्या कर सकते हो कि आप ग्रुप्स इसी तरह ग्रुप बना लेते हो जो एक जैसे दिखने वाले होते हैं, ठीक है। अब इस ऊपर वाले केस में हमने कहा गया था कि मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि हर ग्रुप के अंदर सेम लोग हों, हर ग्रुप के अंदर क्या हो, सेम के सेम टू सेम लोग हों। लेकिन जो क्लस्टर सैम्पलिंग है इसके अंदर कहता है कि एक ही ग्रुप के अंदर डिफरेंट लोग हो सकते हैं, डिफरेंट तरह के लोग हो सकते हैं, आपने बस ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है। तो क्लस्टर सैम्पलिंग है हमारी। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं एनी हेट्रोजेनिटी, हेट्रोजेनिटी के मतलब अकर विद इन ईच क्लस्टर, हर क्लस्टर के अंदर हेट्रोजेनिटी हो सकती है, ऊपर वाले के अंदर होमोजेनिटी जो एक ग्रुप बनता था उसमें सारे एक जैसे थे, यहाँ पे डिफरेंट हो सकते हैं। द क्लस्टर आर सैंपल्ड रैंडमली एंड मे बी एदर टोटली इंस्पेक्टेड और सब सैंपल फॉर एनालिसिस। पहले आपने क्लस्टर रैंडमली बनाए, पहले वाले के अंदर हमें क्या कहा था कि पहले देखा था कि कौन सी ऐसी खासियत है जो इनको एक जैसा करती है, जैसे बॉयज एंड गर्ल जेंडर तो अलग अलग कर दिया। यहाँ पे आप रैंडमली क्लस्टर बना दिए कि ये जो आगे फ्रंट बेंच पे बैठे हैं ये एक क्लस्टर है, जो सेकंड बेंच पे बैठे हैं वो दूसरा क्लस्टर है, रैंडम, ठीक है। और उसके बाद आप देखते हो कि अब इनमें से कौन सा, यानी कि उनमें फर्दर सब ग्रुप्स या सब सेक्शन करके आप एनालिसिस के तौर पे आप सैंपल चूज कर लेते हो। मोर एफिशिएंट एंड लेस एक्सपेंसिव मेथड देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इफ पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इंटू होमोजेनियस ग्रुप्स। अब फिर होमोजेनियस ये थोड़ी सी बहुत कंफ्यूजिंग है, बहरहाल हेट्रोजेनिटी हो सकती है। अच्छा, वो कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे ये ज्यादा आसान है उसकी निस्बत अगर आप होमोजेनियस ग्रुप्स बनाते हो। होमोजेनियस ग्रुप से क्या मतलब है, सारे ग्रुप्स तकरीबन एक जैसे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। जो ऊपर वाली सैम्पलिंग थी यानी कि जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग थी बेसिकली, उसके अंदर एक ग्रुप के अंदर लोग सेम थे
ग्रुप्स आपस में डिफरेंट थे, यहाँ ग्रुप्स के अंदर लोग डिफरेंट हैं, लेकिन जब आप ओवरऑल ग्रुप को देखते हो तो वो सेम होंगे। कुछ समझ आई होगी ऑप्शो, जिस तरह अगर मैंने कहा था कि पहले वाले के अंदर हमने लड़के और लड़कियां अलग कर दिए, दैट विल बी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। यहाँ पे क्या देखा कि 7 लड़के 3 लड़कियां, 7 लड़के 3 लड़कियां, ओवरऑल डिफरेंट है, ग्रुप सारे डिफरेंट हैं आपस में, लेकिन मतलब विद इन द ग्रुप वेरिएशन है, 3 लड़के हैं कोई 6 7 लड़कियां, लेकिन जब ओवरऑल देखते हो तो सारों के अंदर ही ऑलमोस्ट 7 7 लड़कियां थी, 3 3 लड़के थे, तो ग्रुप्स आपस में तकरीबन तकरीबन सेम हो गए, क्लस्टर जिन्हें कहते हैं, लेकिन विद इन अ वन क्लस्टर वेरिएशन आ गई। अब जब आप सैंपल लोगे तो वो सारे ग्रुप्स एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर से एक ज्यादा इजी से आप कर सकते हो। लास्ट जो है इस पार्ट का है वो कंपोजिट सैंपलिंग है, इसके अंदर बैग्ड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि फ्लोर है, आटा, या जिसको हम कहते हैं बीज वगैरह, उनमें से अगर आप सैंपल लेना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास कंपोजिट सैंपलिंग होती है। इसके अंदर आप क्या करते हो कि जिस तरह आपके पास 10 बोरियां हैं, तो आप उनमें से 3 4 बोरियां चूज करोगे और उनमें से थोड़े थोड़े चीजें ले लोगे, ऐसे सैंपल जो कि बारीक हैं, दाने, आटा। अब आटे का सैंपल किस तरह आप चूज कर सकते हो, एक एक दाना तो नहीं ना उठाते, तो आप क्या करते हो, एक में से एक मुट्ठी फर्ज कर लो, एक तोड़े में से आटा निकाल लिया, एक मुट्ठी दूसरे बोरी में से आटा निकाल लिया, उनको मिक्स कर दिया, ठीक है, या इस तरह बीजों के साथ करना, तो एक बोरी में से बीज उठा लिए, दूसरे में से उठा लिए, तीसरे में से निकाल लिए, उनको मिक्स कर दिया, ताकि आपके पास एक होमोजीनियस मिक्सचर आ जाए, और उसके ऊपर जो है वो आप कोई ना कोई एनालिटिकल टेक्निक लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे FDA एंड FSIS कंपोजिट 12 एंड एटलीस्ट 6 सब सैंपल्स रिस्पेक्टिवली फॉर द सैंपल टू बी एनालाइज फॉर कंप्लायंस विद द न्यूट्रिशन लेबलिंग रेगुलेशन। FDA और FSIS जो है, FDA जैसा फूड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये कहती है कि किसी भी सैंपल जो अगर आप न्यूट्रिशन लेबल करना चाहते हो कि इसके अंदर इतने ग्राम कार्ब प्रोटीन फैट है, तो आप कम से कम 12 सैंपल लेते हो, कंपोजिट 12 एंड एटलीस्ट 6 सब सैंपल, यानी कि पहले आप 12 बोरियां चूज करोगे, उनमें से हर में से तकरीबन 6 जो है वो आपने हर बोरी में से सब सैंपल्स लेने हैं, ठीक है, तब जाके ये ट्रूली रिप्रेजेंट करता है एक अगर आप न्यूट्रिशन लेबलिंग करना चाहते हो, ठीक है। बच्चे अपना माइक्रो प्रोडक्ट के साथ, क्लियर। अच्छा इसके बाद जो है हमारे पास सैंपल साइज हो गया हमारा, सैंपल साइज भी क्लियर हो गया था रमीशा। अब ये हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है और ये कुछ पोर्शन रह गए, ये नेक्स्ट मीटिंग है जो 10 मिनट की है, उसमें हम कवर कर लेते हैं इसको।